गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू रीड्स क्रिएशन व्लॉग। मैं न्यू सब्सक्राइबर्स का वेलकम करती हूँ। सब जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ ऐड हैं, अगर वही सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा चैनल ग्रो करेगा। सो गाइस, मैंने कल की वीडियो में जैसे आपसे बात की थी कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टिचिंग से रिलेटेड, स्टिचिंग टिप्स से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी, सो वो भी मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। बाकी मैं हमेशा अपने चैनल में सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि पैंडेमिक चल रहा है, घर पे रहिए, सेफ रहिए। और प्लीज़, अगर वैक्सीनेशन के लिए आपको कॉल आता है, आपका अगर टर्न आता है, तो वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीनेट होइए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडीज़ में आती हैं, तो हमें कोरोना वायरस से काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी व्यूअर्स से, सभी सब्सक्राइबर्स से कि आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं आपकी टर्न आने पर। सो लेट मी स्टार्ट विद माय रिव्यूज़। सो मेरे कस्टमर ने ऑर्डर किया था पोर्टली। मैं अभी पेंडेमिक चल रहा है तो मैं अपना सारा काम घर से कर रही हूँ, तो मेरे एक रिलेटिव भी हैं वो, और उन्होंने अपने लिए एक ऑर्डर किया था, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था। तो एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी पोटली है, पोटली क्या है वो, एक ट्रेडिशनल, अगर आप कुछ भी पहनते हो ट्रेडिशन, आप लहंगा पहनते हो, अनारकलीस पहनते हो, तो उसके साथ बहुत प्यारा प्रिटी सा पाउच है वो। सो मैं आपके साथ उसका इसका पैकिंग तो अनपैकिंग कर लिया है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे देखना था, तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली उनका रीज़न है, वो जहाँ रहते हैं वहाँ कुरियर नहीं हो पाता, तो ये कुरियर मैंने अपने घर पे मंगवाया है। सो ये पोटली बैग है, बहुत प्यारा बैग है। अभी मैंने इसको वैसे ही खोला था, बट मैंने इसकी अभी पैकिंग नहीं खोली है। आप देख सकते हो ये बहुत प्यारी है, मतलब भाई कुछ तो खास होगा ना। सी, बहुत प्यारा पीस है, क्या होता है ना, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि फिनिशिंग, बट इसकी फिनिशिंग बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। अब इसमें क्या होता है, आप कैरी कर सकते हो, इसकी मतलब हैंगिंग बहुत सुंदर है, अगर आप इसको कैरी करना चाहो। सी, पूरी बीट्स की ये माला है, इसमें पूरी बीट्स की है, बहुत प्यारा पीस है ये। ये बिल्कुल ऐसे बंद हो जाता है, जब आप कहीं शादी पे जा रहे हो तो आप इसे कैरी कर सकते हो। बहुत प्यारा पीस है। एक्चुअल में क्या है, जैसे अभी स्टॉक ना आने की वजह से मैं जितना भी स्टॉक ऑर्डर कर रही हूँ अपना, जहाँ से भी मैं परचेज़ करती हूँ, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर मैं आपसे कोई भी चीज़ परचेज़ कर रही हूँ, बिहाफ ऑफ आप मुझे भेज रहे हैं, आप उसको क्या कस्टमर को कुरियर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की मेरी रिक्वेस्ट को माना, क्योंकि अभी पेंडेमिक की वजह से सबको पता है कि कोई भी फिज़िकली प्रेजेंट होकर चीज़ रिसीव नहीं कर सकता, चाहे आप किसी को भी मतलब भेज रहे हो। तो मैं भी अभी सारी कॉन्टैक्टलेस कर रही हूँ, मैं इसको प्रीवियसली पहले पे कर देती हूँ, ताकि जब भी किसी कस्टमर के पास जाए तो डेफिनेटली कस्टमर तो चलो मुझे पे कर ही देता है, तो मैं पहले पे कर देती हूँ, तो वो डिस्पैच कर देते हैं। सो ये होता है कि जो चीज़ मैं अपने यहाँ से डिस्पैच करती हूँ, उसके तो शिपिंग चार्जेस हमेशा, मतलब मैंने जिनके साथ भी कांटेक्ट किया, जो भी मेरे डिलीवरी एजेंट हैं, तो उनको पे करना पड़ता है। सो कभी कभार क्या होता है, हमारी कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं, कंपनीज ऐसी जिनसे हम वेंडर से परचेस करते हैं, सम ऑफ शिपिंग इज़ फ्री, तो डेफिनेटली, और जिस चीज़ के ऊपर शिपिंग फ्री रहती है तो मैं फ्री ही प्रोवाइड कराती हूँ। जैसे ये मेरी पोटली है, इसकी शिपिंग बिल्कुल फ्री थी, मैंने इसका पहले ही पे कर दिया था, इसका COD नहीं था, तो मैंने इसको पैसे पहले ही पे कर दिए थे, तो ये मेरे को फ्री, मतलब लाइक शिपिंग फ्री रिसीव हुआ है। बहुत प्यारा पीस है, मैं इसकी इमेजेस आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें 6-7 कलर्स और भी हैं, ये पार्टी वेयर चीज़ है, आप इसको बहुत पास से देखेंगे, बहुत प्यारा पीस है, इसकी हैंगिंग बहुत प्यारी है। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो है ओनली 350। इसमें कलर्स हैं, मल्टी कलर्स में हैं, ब्लैक में हैं, पर्पल में हैं,
गोल्ड में है, बहुत प्यारे कलर्स हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी क्योंकि ये बहुत ही प्यारी सी पोटली है। सो मैरिज फंक्शंस होते हैं, हमेशा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जो डिफरेंट लगे, तो पोटली का बहुत डिफरेंट। इसमें आप सामान भी कैरी काफ़ी कर सकते हो, इसमें मतलब स्पेस बहुत है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मतलब आप कॉस्मेटिक वगैरह तो अपना एटलीस्ट आराम से कैरी कर ही सकते हो। सो अभी मैं इसको वापस से पैक कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने अपने कस्टमर के लिए ऑर्डर की थी। सो अभी मैं इसको वापस से सारा पैक करती हूँ। सो आज गर्मी बहुत थी, मैं मार्केट गई थी, मुझे कुछ काम था, तो घर पे आके मैंने वही सैनिटाइज वगैरह, हैंड वॉश, फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज, क्योंकि मैं अगर सबको कहती हूँ तो डेफिनेटली वो चीज़ मुझे भी करनी चाहिए। सो आज मैं गई थी गर्मी की थोड़ी शॉपिंग करने, जैसे ना घर पे पहनने के लिए कपड़े नहीं है मेरे पास। अब ये हो जाता है कि गर्मी में बहुत मन करता है कि आप लाइट से कपड़े वेयर करो, आपको बहुत हैवी वेयर ना करना पड़े। सो मैं आपके साथ वो भी शॉपिंग शेयर करूँगी क्योंकि मुझे ये होता है कि जो चीज़ मैं लेके आई हूँ ना, मतलब अगर किसी के लिए बेनिफिट है तो डेफ़िनेटली उनको भी करनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी आपके साथ, देखिए ये लेमन कलर में है, मतलब लाइम कलर में है, ये बहुत 2x2 का कपड़ा है, बहुत प्यारा कपड़ा है। मतलब इसकी शर्ट बनाएंगे, शर्ट या फिर फ्रॉक जैसे मैंने अभी वेयर किया हुआ, मतलब जो भी मेरा मन किया वो मैं स्टिच करूँगी इसके साथ। ये बहुत प्यारा पीस है, बहुत प्यारा पीस है। नो सॉरी, ये मेरी मदर इन लॉ का है, ये मेरा नहीं है, ये उनके लिए है, ये वो शर्ट स्टिच करेंगी। मैं अपना शेयर करती हूँ, मेरा भी है बट मेरा कलर दूसरा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, मैं लेके आई हूँ अपने लिए ये ब्राइट में, मैं ब्राइट में लेके आई हूँ। ये भी बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा जयपुरी इसमें पैटर्न दिया हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत सॉफ्ट है। मतलब कपड़ा ऐसा हो जो गर्मी में पहनो ना तो बंदे को रिलैक्स फील हो, मतलब फील ना हो मैंने कुछ ऐसा पहना है कि मतलब मुझे गर्मी फील हो रही है। बहुत कूल सा स्टफ़ है, बहुत प्यारा स्टफ़ है। तो ये भी मैं सिर्फ शर्ट का बाय करके लाई हूँ, ये मैं फुल सूट नहीं लाई हूँ क्योंकि इस वाले को मैं वेयर करने जा रही हूँ। मैंने अपने लिए चिकन का कुर्ता प्लाजो बनाया था, ये देखिए चिकन का प्लाजो है, तो इस प्लाजो के साथ मैंने इसका कॉम्बिनेशन किया है, ये बहुत प्यारा लगेगा। ज़रूरी नहीं होता कि हमें हमेशा मतलब पूरा सूट खरीदना, अगर हमारे पास कुछ भी मतलब एक्सेसरीज़ में पड़ा है, प्लाजोज में पड़ा है, जैसे बात करते हैं बेसिक कलर्स की, तो बेसिक कलर्स में ब्लैक हो गया, स्किन हो गया, वाइट हो गया, ये एक बेसिक्स कलर है, रेड कलर हो गया, जो रूटीन कलर्स हैं आप इसके, अगर आप 3-4 गर्मी में प्लाजो स्टिच करते हो, रखते हो अपने पास, तो आप कुर्तीज ले सकते हो रेडीमेड, नहीं तो ऐसे ही शर्ट्स का मैचिंग स्टफ़ कर सकते हो, तो एक कलेक्शन बन जाती है। मतलब हमारी इतना नहीं हमें कैरी करना पड़ता समर्स में। एक मैं लेके आई हूँ, एक मेरी मदर इन लॉ ने और लिया है अपने लिए, ये है ग्रे कलर में, ये भी बहुत प्यारा स्टफ़ है। मतलब है तो ये रियॉन में, लेकिन एक होती है रियॉन जो ना लटक से जाती है, जिसको कह देते हैं रेंज वाइज 14 kg 15 kg, ये बहुत प्योर में है, मतलब ये ख़राब नहीं होगा। मैं स्टिच करती हूँ तो इतनी मुझे नॉलेज है, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसे वाइट के साथ पहनना है, तो वो अपने लिए वाइट लेके आए हैं ऐसे कॉम्बिनेशन करके। ये समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब अगर आप पहनना चाहो तो समर्स में ये बहुत प्यारे कलर्स हैं पहनने के लिए। सॉरी, एक मैं अपने लिए ये लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारा पिंक कलर में लेके आई हूँ, कॉटन में, तो ये भी बहुत प्यारा सूट है, इसको मैं फ्रॉक में स्टिच करूँगी अपने लिए। तो जब भी मैं जब इसकी कटिंग्स करूँगी, मैं इनके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि कटिंग किस बेसिस पे कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं ये है कि हम बेसिक्स वाइज चलेंगे, स्टिचिंग में सबसे पहले आता है मेजरमेंट, हमें इतना पता होना चाहिए कि मेजरमेंट कैसे लेना है। अगर मेजरमेंट लेना आएगा तो हम कटिंग कर सकते हैं, जो तो बिगनर्स हैं उनके लिए तो मेजरमेंट्स ये हो जाता है कि एक हिसाब से उनको
शर्ट से कैसे लेना है, बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है, दो तरह के होते हैं। समटाइम हमें क्या होता है कि बॉडी मेजरमेंट लेना पड़ता है, तो ये मैं आपको शेयर करूँगी बिगनर्स में। फिर मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई हूँ गर्मी के लिए, उसके लिए मैंने नाइट वेयर में बनाना है कि मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। ये भी वाइट में है, वाइट में और पिंक में है, ये इसमें है, अच्छा लगेगा ना। सो मेरे को ये होता है कि मैं आपके साथ कुछ भी, जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूं जिससे आपको नॉलेज मिले। कपड़ों में क्या होता है कि हम लोग करते हैं समर्स में दुपट्टास वगैरह बहुत लोग कम कैरी करते हैं, तो हमारी ममाज वगैरह तो लेती हैं, तो डेफिनेटली उनको तो प्रेफरेंस रहती है। हम जैसे ये हो जाता है कि ये जो यंग एज है वो प्रेफर नहीं करते, कुर्ताज वेयर करते। तो ज़्यादा मतलब आप कलेक्शन बनाना चाहते हो तो आप अपने बेसिक जो मैंने आपको बताया मैरून डीप रेड ये कलर्स के आप प्लाजोज बना लो, सेट बना लो, किसी के साथ भी आप शर्ट्स मैचिंग कर लो, एक के साथ दो दो कर लो, तो उससे क्या हो जाता है कि आपके दो आउटफिट बन जाते हैं, आप आराम से उसको कैरी कर सकते हो। ये बेसिक से कलर हर एक प्रिंट में मिल जाते हैं, पिंक वाइट ब्लैक स्किन कलर जिसे आप ब्राउन भी कह सकते हो, लाइट ब्राउन, ये सब आपके लिए काफ़ी ईजी रहता है कलेक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये तो मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया है आज कपड़ों का जो मैं गई थी मार्केट। सो जैसे मैंने आपको बताया स्टिचिंग के लिए, स्टिचिंग में क्या है कि जैसे पैनमिक चल रहा है, कोई भी बाहर नहीं जाता है ज़्यादा, एक टाइम होता है, वैसे तो टाइमिंग्स चेंज हो चुकी हैं। मैंने मॉर्निंग देखा था कि जैसे हमारा लॉकडाउन की टाइमिंग 5 o'clock तक थी मतलब, तो अब वो 7 o'clock तक कर दी गई है। सो चलिए अभी उस चीज़ का भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा सबको, लेकिन फिर भी ज़रूरत हो तो बाहर जाइए, रश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो हमें नहीं पता कि किसको है ना प्रॉब्लम है या इसके क्या सिम्टम्स, अभी कुछ सिम्टम्स जज भी नहीं हो रहे, तो आप बाहर जा रहे हो अपने घर वालों के लिए ना कुछ ऐसा लेके आओ, उनको भी फील हो कि वो भी बीमार हो, तो पेशेंटली अगर ज़रूरत हो तभी बाहर जाइए, नहीं तो अपनी सेफ्टी ज़रूर कीजिए, बाहर जा रहे हो सैनिटाइज़र करो, मास्क वेयर करो। सो मैंने जो आपके साथ अभी कपड़ों का रिव्यू शेयर किया वो एक कॉटन क्लोथ्स के ऊपर था, बिल्कुल जैसे आप घर पे अपने लिए वेयरिंग के लिए बना सकते हो, बड़े आराम से बना सकते हो। बहुत सारे स्टफ्स 100 rupees मीटर आते हैं, कुछ 150 rupees मीटर आते हैं, अच्छी रेयन में लेना चाहो तो 180 rupees, 190 rupees, 210 rupees मीटर मार्केट में रिटेल में आपको मिल जाता है आराम से। सो इससे ये हो जाता है कि आप रिलैक्स रहते हो गर्मी में, बहुत लाइट स्टफ्स हैं ये। तो ये तो रिव्यू था आपके लिए समर क्लोथ्स का, कलेक्शन कैसे बना सकते हो आपको मैंने बताया, मैचिंग कर सकते हो एक प्लाजोस के साथ दो दो आप अपनी शर्ट्स करके अपने लिए कलेक्शन एक बना सकते हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू। मैं आपसे बार बार कहूँगी कि प्लीज़ पैंडमिक में घर पे रहिए, सेफ रहिए। तो मैं आपके साथ अभी अपना सेकंड वीडियो इस व्लॉग के बाद अपलोड करूँगी जो कि मेरा स्टिचिंग टिप्स के ऊपर था। सो अभी ये तो आज रिव्यू मैंने अभी किया, तो मैं वो भी वीडियो जल्दी ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बाय बाय गाइस, सी यू सून।